जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और जैसा कि आप लोगों को बता दिए थे कि हर शनिवार और रविवार आप लोगों के लिए जो है पूरे के पूरे गणित के बुक से 25 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट तैयार किया जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और वही 25 क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा बनाने के लिए। मतलब समझिए कि वो 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहले दिखेगा, ठीक है, और आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 20 से 30 सेकंड के अंदर में कर लेना है, ठीक है। जब आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 30 सेकंड के अंदर में कर लेंगे, उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है हम करेंगे। जैसे आप पहले कर लिए, इसके बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। आपने जो बनाया और जो हमने बनाया, ठीक है, आप उसको मिला लीजिएगा, आपका सही है या गलत है। यदि गलत है तो सही करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि सही है तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो गया। इससे क्या होगा कि एक ही साथ दोनों काम आपका हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ उसका डिस्कशन भी हो जाएगा। जब हम ऐसे मॉडल पेपर का जो है सेट लेकर आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल और बिल्कुल हॉट ट्रिक से बनाएंगे, जैसा कि ऑब्जेक्टिव पहले आपको पढ़ा दिया गया है। एक बात और कि यदि आपने ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है इससे पहले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जो है नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो का, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सिखाया गया है, चाहे वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो, मैट्रिक्स का हो, डिटर्मिनेंट का हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का हो, या फिर सॉरी क्या बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन का हो, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का हो, या डिफ्रेंशिएशन का हो, या इंटीग्रेशन का हो, कुछ भी जितना भी है वेक्टर का हो, तो ये सबके सबका जो है वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। आप जाकर उन वीडियो को भी देखिए, वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन का हॉट ट्रिक आपको बताया गया है। और अभी जो हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, यानी पूरे के पूरे एक्सरसाइज से 25 क्वेश्चन का जो है एक सेट बनाया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हाँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, अलग से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने किया है जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो यदि आप ये 25 क्वेश्चन वाला जो हमारा सेट लगा लेते हैं, ठीक है, और ये सेट हर शनिवार और रविवार को आपको मिलते रहेगा, तो यदि आप लगातार ये बनाते हैं तो हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास हमें है कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो जो आपसे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उन 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर लीजिएगा। क्योंकि हमने इस सीरीज का नाम रखा है मिशन 50-50। ये मिशन 50-50 के अंतर्गत आपको जो है 25 क्वेश्चन का सीरीज दिया जाएगा, और हर शनिवार और रविवार के दिन। तो आज शनिवार है, आज हम आपके लिए जो है 25 वैसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको अभी मात्र 499 रुपया का जो है कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है। आप जाकर एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाद बाकी क्लास की शुरुआत करते हैं, आज 25 क्वेश्चन मज़ेदार तरीके से देखने वाले हैं। आइए, क्लास की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला सवाल आपका जो है रिलेशन एंड फंक्शन का होगा। क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा, ठीक है, और वहाँ से देखकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आपको खुद करना है, इसके बाद जब हम बनाएंगे तो उससे आपको मिलाना है। आइए, पहला सवाल कहता है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3। समुच्चय ए का मान दिया गया है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब कह रहा है कि कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी समुच्चय में 3 गो अवयव है, जैसे कि आपको दिख रहा है समुच्चय ए में ए बी सी यानी 3 गो अवयव है, तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि इस 3 अवयव से कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। सवाल का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा।
कि सवाल यदि आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको कोई समुच्चय दे देगा और कहे कि इस समुच्चय से कुल कितने भिन्न भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कंडीशन में आपको करना है, सबसे पहले 2 के पावर में, गौर कीजिएगा, 2 के पावर में, यहाँ पर a और जितना यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अकेला यदि a है तो इसमें कुल मिलाकर कितना सदस्य है, 3 गो। कितना सदस्य बाबू, 3 गो। तो यदि सिर्फ एक ही समुच्चय दिया गया है तो आपको क्या करना है कि जितना इसमें सदस्य होगा उस सदस्य को लिखना है और एक बार और उतना ही से गुना कर देना है। जैसे 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यदि मान लीजिए कि इसमें जो है इसमें 2 गो सदस्य होता ए और बी, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता, 2 को 2 से गुना करने पर कितना आएगा, 4। यदि मान लीजिए कि इसमें जो है 4 गो सदस्य आ जाता ए बी सी और डी, 4 गो सदस्य होता तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता, 4 को 4 से गुना करना है, यानी 16, ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि 2 अलग अलग समुच्चय आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, 2 अलग अलग समुच्चय रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में जितना ए में अवयव है और जितना बी में अवयव है दोनों को आपस में गुना करके लिखना है तो 6। यदि मान लीजिए कि ए और सी रहता तो ए में कितना सदस्य है, 3 गो, सी में कितना सदस्य है, 4 गो। अब दोनों को गुना करके लिखना है तब 12 गो, ठीक है। आपको सबसे पहले ये करना है, यदि आपसे कुल भिन्न भिन्न संबंधों की बात करेगा तो आपको सबसे पहले यही करना है, ठीक है। इसके बाद अब कुल भिन्न भिन्न सदस्य संबंध कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपको हमेशा लिखना है 2 के पावर में, यहाँ पर जो आपने गुना करके लाया है, जो आपने यहाँ पर गुना करके लाया है बस यही गुणनफल का मान रख देना है। अभी आपके पास 3 सदस्य है तो इसका गुणनफल आपने कितना किया, 9, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 के पावर में 9। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2 के पावर में 9। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन आपके सामने में है, कहता है निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग, और क्वेश्चन को देखने के बाद बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। फटाफट से एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है। अब आप उद्देश्य फलन, ऐसे आपको उद्देश्य फलन के बारे में जो है पढ़ना है एक्सरसाइज 12 में, यानी 12वां एक्सरसाइज आपका जो है उसमें आपको पढ़ना है उद्देश्य फलन के बारे में। उद्देश्य फलन में क्या होता है कि जो ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ का जो मेन उद्देश्य होता है उसको दर्शाया जाता है उद्देश्य फलन में। और ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, तो वैसे कंडीशन में आपको देखना है कि जहां पर लिखा हुआ रहेगा जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, यानी जेड बराबर दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में जो भी व्यंजक लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में जो भी व्यंजक लिखा हुआ रहेगा और उसके बराबर में जेड लगा हुआ रहे तो आप कहिएगा कि यही जो है आपका है उद्देश्य फलन, यही है इसका उद्देश्य फलन, क्लियर है, यही है इसका उद्देश्य फलन, ठीक ना। यानी जेड बराबर रहेगा और रैखिक समीकरण के रूप में रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में रहेगा, तो ऐसा कंडीशन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जेड बराबर 5x + 7y, जैसा कि आप देख सकते हैं जेड बराबर 5x + 7y, आपको लग गया जेड और यहां पर आपको दिख रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो जब भी ऐसा आएगा आपको उद्देश्य फलन आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने देखिए अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए। यहाँ पर देखिए स्टार, यानी ये है आपका द्विआधारी संक्रियाँ, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन वाला सवाल है।
यहां पर लिखा गया है ए ऑपरेशन बी, यहां पर इसको ऑपरेशन कहते हैं, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब संक्रिया। ए ऑपरेशन बी बराबर 3a प्लस 4b और माइनस 2, माइनस कितना है 2। तो कहता है ऐसे परिभाषित हो तो 4 संक्रिया 5, यानी 4 ऑपरेशन 5 का मान कितना होगा। ठीक है, 4 ऑपरेशन 5 का मान कितना होगा, एकदम सिंपल है बाबू, देख लीजिए, आपको सिर्फ तुलना करना है। देखिए यहाँ पर ए के जगह कितना हो गया 4, बी के जगह कितना हो गया 5, बस इधर भी ए के जगह पर 4 रख देना है, बी के जगह पर 5 रख देना है, तो हो जाएगा 3 × 4 + 4 × बी के जगह पर 5 और माइनस में 2, 4 × 3 = 12 + 5 = 20 और माइनस 2, 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, अब 32 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा 30 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होगा और वो क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने, देख लीजिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। ठीक है, हाँ, और सिंपल आपको तब लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, जब आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक ना, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो फिर मतलब सिंपल सवाल भी आपको काफ़ी कठिन लगता है। जैसे यदि किसी बच्चे को ABCD नहीं लिखने आता है, यदि उस बच्चे की उम्र 1 साल 1.5 साल है तो उसको पता नहीं है कि ABCD क्या है, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि ABCD क्या है तो आसान है आपके लिए, क्योंकि आपको आता है। तो सिंपल है कि जो आपको आता है वो आपके लिए आसान है, जो आपको नहीं आता है वो आपके लिए कठिन है। हाँ, वही तो है। चलिए, सवाल क्या है, एक्स का मान 1/5 दिया गया है, आपको दिख रहा होगा ऊपर, एक्स का मान 1/5 दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि cos inverse x + 2 sin inverse x हाँ का मान ज्ञात करें, यानी x का मान इतना दिया गया है 1/5, तो इसका मान ज्ञात करना है, यानी इसके बराबर में क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। समझ में आ रहा है, समझ लीजिए ठीक से, x का मान 1/5 दिया गया है तो cos inverse 1 + 2 sin inverse x का मान कितना के बराबर होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, करना क्या है, ये cos को ज्यों का त्यों रखना है बाबू, इसके बाद cos इनवर्स x अब प्लस में दूगो sin इनवर्स x है ना, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों को अलग अलग, sin इनवर्स x अब प्लस में cos इनवर्स x। ठीक है, यानी देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना हो जाता है π/2 ना, यहाँ हो जाएगा आपका π/2, अब प्लस में कितना हो जाएगा तो cos इनवर्स x। अब आप देखिए कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है आपका माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस कितना, माइनस साइन थीटा ना, cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है आपका माइनस साइन थीटा ना, cos 90 डिग्री अब प्लस थीटा, 90 डिग्री चेंज होगा, हाँ, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा के जगह पर क्या है तो cos इनवर्स x, यहाँ हो जाएगा आपका cos इनवर्स x। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 sin inverse x था ना, था sin इनवर्स x प्लस, ये भी sin इनवर्स x ही होता। ठीक है, हाँ, छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तो ये जो cos इनवर्स x है यहाँ पर क्या है sin इनवर्स x ना, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। अब देखिए cos 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा के जगह पर तो साइन इनवर्स x है ना, यानी यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस x के बराबर, और x का मान आपके पास कितना है 1/5 ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/5 के बराबर। ठीक है,
इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस एक बट्टे पांच के बराबर, और जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार देख लीजिए सभी लोग, एक बार देख लीजिए और तुरंत तुरंत आंसर लगा दीजिए सभी लोग, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है ये। सवाल आपका कह रहा है कि टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, बड़ी सिंपल है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो आपको मालूम है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू ना, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई टू। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। सवाल है कि कॉसेक इनवर्स दो बराबर क्या होगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि कॉसेक इनवर्स दो का मान हम निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इसलिए इसको पढ़ेंगे उल्टा। तो कैसे उल्टा पढ़ेंगे कि कॉसेक में दो कितना का मान, ठीक है, कॉसेक में दो कितना का मान। तो कॉसेक में दो जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री बोले तो पाई बाई सिक्स का मान होता है। हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आपने हमारा इनवर्स वाला वीडियो नहीं देखा है, जहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपको जो है पूरा डिटेल इसका सॉल्यूशन आपको बताया गया है, इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अर्थात पूरे के पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप निश्चित रूप से जाकर देख लीजिएगा, एक भी सवाल आप नहीं छोड़ पाएंगे, आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे आप, ठीक है ना। हाँ चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अब हम लोग कुछ मैट्रिक्स के सवाल को यहाँ पर लेकर आएंगे। इसके बाद देखिए मैट्रिक्स में जो है किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल ये आपका है, सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है आपका, एक्स वाई और इसके बराबर में क्या है, तो इसके बराबर में आपका है 2x माइनस वन और फिर 7। अच्छा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए कैसे समझ में आ जाएगा कि जब ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, तो आपको बता दिए हैं मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होते हैं जब दोनों की कोटि समान होता है, बिल्कुल दोनों की कोटि समान है। दूसरी बात आपको बताए हैं कि दो अवयव आपस में बराबर तब होंगे जब दोनों के संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव मतलब पहला वाला का बराबर पहला वाला और दूसरा वाला के बराबर में दूसरा वाला। चल लीजिए कितना हो जाएगा, x बराबर 2x माइनस वन और इधर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 7। y का मान तो खड़े खड़े निकल गया, x का मान ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, x माइनस 2x बराबर माइनस वन घटेगा तो माइनस एक्स बराबर माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर वन, यही इसका आंसर होगा। यानी x का मान 1 के बराबर और y का मान जो होगा आपका 7 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। अगला सवाल जो है वो गुना वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक ना। चलिए उस सवाल को भी देख लेते हैं एक बार, आपको गुना करने के लिए कहा जा रहा है, आइए गुना करके देख लेते हैं। देखिए क्या है, 2, 5, 8, 10 ये है और इसके बाद एक और है, एक और क्या है, तो 5 और 50 देख लीजिए। गुना करने के लिए आपको बताए हैं कि जितना पहला अवयव के रॉ में अवयव है उतना ही दूसरे अवयव के कॉलम में अवयव होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी आप गुना कर सकते हैं, अन्यथा आप दो अवयव को आपस में गुना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ना, इसके रॉ में 2 अवयव है तो कॉलम में भी 2 अवयव, इसका मतलब गुना कर लेंगे। सिंपल है गुना करना, बस एक बार रॉ को पकड़ेंगे कॉलम में गुना, फिर रॉ को पकड़ेंगे कॉलम में गुना, हो तो क्या बात खत्म। 5 × 10 आप प्लस 25 यानी कि 250, यहाँ देखिए 8 × 5 = 40 प्लस
500, 50 दाई के 500, ले कितना हो गया बउआ, 250 में 10 जोड़ेंगे 260, अब 500 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 540, ठीक है। यानी हो जाएगा इसका गुणनफल 260 और 540, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग कुछ डिटर्मिनांट के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसके बाद देखिएगा डिटर्मिनांट का कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी हम। पहले तो आपको डिटर्मिनांट के बारे में जो जानकारी दी गई है उसे आप जरूर देखेंगे, वो वीडियो के माध्यम से आपको जो है अवेलेबल करा दिया गया है, आपके चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगा। सवाल यहाँ पर है दिया गया कि अब आपको डिटर्मिनांट का मान निकालना कैसे है। सिंपल है, एक साधारण सा सवाल यहाँ पर हमने सेट में लिया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर क्या है तो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आपका है साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको बताना है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, आपको बताना है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। तो जब भी आप 2×2 कोटि के किसी भी डिटर्मिनांट का मान निकालना चाहेंगे तो 2×2 कोटि के डिटर्मिनांट का मान निकालना बहुत ही सिंपल और साधारण होता है। करना क्या है आपको, सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, हो तो गया मान, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए साइन को माइनस साइन से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और साइन को साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, कितना के बराबर हो जाएगा बाबू 1 के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ भी डिटर्मिनांट का ही मान निकालना है। यहाँ पर 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 35 है और यहाँ पर 7 है। अब इसके डिटर्मिनांट का मान आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है इसके डिटर्मिनांट का मान निकालना। जैसे आपने इसके डिटर्मिनांट का मान निकाला है ठीक उसी प्रकार से आप इसका भी मान निकाल सकते हैं आसानी से। इसके लिए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको इससे गुना करेंगे, माइनस देके फिर इसको इससे गुना करेंगे, 10 × 70 और माइनस 35 × 70, 70 में से 70 घट गया तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, नहीं 70 में से 70 घट गया तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर। देख सकते हैं आपका जो डिटर्मिनांट का क्वेश्चन था, जो 2 क्वेश्चन हमने लिया था, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन लिए थे आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये पहला सेट है, पहला सेट में थोड़ा सा आसान सवाल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही सेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे आपको उस नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल छपता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं छपता है, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में छपता है और कई बार छप चुका है, ठीक है। तो आपको इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप फंसेंगे वहीं पर जहां आप जिसको ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जिसे आप ज़्यादा हल्का में ले लेते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में वही उल्टा देता है। इसलिए आप किसी भी पॉइंट को हल्का में लेकर ना चले, समझे कि मेरे लिए सब जो है एकदम दुश्मन के समान है और सब पर उतना ही बेहतरीन तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, ठीक है ना बाबू। आइए अब अभी हम लोग कुछ जो है यहाँ से अब एक बार डिफ्रेंसिएशन के कुछ क्वेश्चन को लेंगे, कैलकुलस वाला। आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन को देखिए, बनाने का प्रयास तो कर लीजिए फटाफट से। सवाल कह रहा है कि एक्स बराबर है 1 cos थीटा, ठीक तो है, एक्स बराबर है 1 cos थीटा, वाई बराबर है 1 sin थीटा, वाई बराबर है 1 sin थीटा। सवाल बनता है कि dy/dx बराबर क्या होगा, सवाल बनता है कि dy/dx बराबर क्या होगा। अच्छा आश्चर्य वाली सवाल तो है नहीं कि dy/dx बराबर क्या होगा, लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे तो कह रहा है कि y का डिफरेंशिएशन ऊपर में चाहिए और x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचा में चाहिए, लॉजिकली यही तो कह रहा है। dy ऊपर में है इसका मतलब y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में चाहिए, dx नीचा में लिखा है इसका मतलब x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे में चाहिए। तो आइए फटाफट से y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बराबर, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा
कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद एक्स वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स, हाँ डी एक्स। अब बराबर में कितना, ए को बाहर रखेंगे और कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब बीच में यहाँ पर बटा का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि एगो ऊपर है एगो नीचे है। अब ए से ए कट गया, यहाँ है आपका कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा, लेकिन जो माइनस में है उसको लिखना पड़ेगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, जो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे जो है बार बार पूछा जाता है। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन को तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में यदि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात होती है तो उसमें 30 क्वेश्चन के आसपास ये दो एक्सरसाइज ही आपको आसानी से दे देगा, 30 से 35 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, हाँ। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए, एकदम समझ के रखिएगा। देखिए सवाल क्या है कि डी एक्स के पावर 4 बटा में सॉरी ऐसा कुछ है, रुक जाइएगा, डी एक्स के पावर 4 बटा में 4 इंटू में डी एक्स। ले आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी एक्स के पावर 4 बटा में 4 इंटू में क्या है, डी एक्स। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, करना क्या है बाबू, डिफरेंशिएशन के लिए सिंपल है, 1/4 कांस्टेंट है बाहर कर दो, कोई गड़बड़ नहीं। अब ये होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना आसान है, पावर को ज्यों का त्यों लिखेंगे फंक्शन, सॉरी पावर को आगू में लिखेंगे, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे। 4 से 4 कट गया, कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3 ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स के पावर 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, डी साइन स्क्वायर थीटा बटा में डी थीटा। अच्छा ये सवाल तो आपको जो है कई बार हम बता चुके हैं, एक बार दो बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। जल्दी से एक बार सभी लोग जवाब कर लीजिए इस क्वेश्चन का, क्या होने वाला है, एकदम फटाफट से सभी लोग जल्दी से। सवाल आपका है कि डी साइन स्क्वायर थीटा बटा में डी थीटा। देखिए डिफरेंशिएशन के लिए आपको हम बताए थे कि जितना फंक्शन होगा उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है, जितना फंक्शन होगा उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है। चलिए यहाँ देखिए दो फंक्शन है, एगो होल पावर वाला है एगो साइन थीटा है। सबसे पहले होल पावर वाला की क्रिया, पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, अब पावर में से कम कर लेंगे। चलिए होल पावर वाला का हो गया, अब साइन का होता है कॉस थीटा, ठीक है ना बउआ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब 2 sin theta into cos theta बराबर क्या हो जाएगा, तो sin 2 theta ना, हाँ फॉर्मूला है कि 2 sin theta into cos theta बराबर क्या हो जाएगा, तो sin 2 theta सॉरी। अब आप इसे जो है ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, आसानी से आपको दिख रहा होगा ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, sin 2 theta, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन आपका है एक्स, यहां देखिएगा एक्स बराबर ए के पावर में ए के ए इंटू टी स्क्वायर, और इसके बाद वाई बराबर कितना है, 2 a t। सवाल है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। सवाल आपका है कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, सेम क्वेश्चन जैसे पहला बनाए थे, डिफरेंशिएशन का जो पहला क्वेश्चन बनाए थे सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके ऊपर में, एक्स वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके नीचा में रखिए। चलो बाबू वाई वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बराबर 2 और a दोनों कॉन्स्टेंट है ना, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डी टी बटा डी टी माने कितना, 1 हो जाएगा, आए 2 a तो पहले से बाहर है,
तो हो जाएगा आपका 2a गुना 1। अब उसके बाद x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो dx, ठीक है। अब बराबर में a कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t ना। अब देखिए a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में t। dy बटा dx का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में t के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है देखिएगा, चलिए इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएशन का ही है कि डी log x के पावर 4 बटा में dx, डी log x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा करना क्या है बाबू, ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए दो गो फंक्शन आपको दिख रहा है, एगो log वाला और एगो x के पावर 4 वाला, दो गो फंक्शन है, ठीक है। इसका डायरेक्ट ट्रिक भी हम बताए हुए हैं आपको, हम अभी भी उस ट्रिक की चर्चा करेंगे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट बता देते हैं। मान लीजिए कि यदि आपने ट्रिक भी भूल भी गया तो ये कॉन्सेप्ट आपको यदि याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। आइए हम आपको जो है पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लॉग वाला का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक बटा में जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, इंटू अब एक्स के पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बाबू, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों, पावर में से एक कम, ठीक है। अब तीन गो एक्स से तीन गो एक्स कट गया तो एक गो एक्स बच गया, और ऊपर में 4 बच गया, यानी कितना हो जाएगा 4 बटा में एक्स के बराबर ना, 4 बटा में एक्स के बराबर। जबकि आप इस सवाल का आंसर इतना न करके भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको बता दिए हैं कि जब फंक्शन लॉग वाला आ जाए और एक्स के पावर में कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, एक्स के पावर में यदि कोई कांस्टेंट हो तो आपको क्या करना है कि पावर वाला कांस्टेंट को ऊपर रख देना है, और ये जो आपको एक्स दिख रहा है इसको नीचे रख देना है। सीधे सीधे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखते रहिए क्वेश्चन को, 25 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा जो है डी ई के पावर में है 3x और बटा में है dx, ठीक है ना बाबू, यहां ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको बताए हैं कि ई के पावर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यों का त्यों होता है, लेकिन यदि x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, एक्स के साथ यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो आपको क्या करना है, उस कांस्टेंट को आगू में लिख देना है। ई के पावर में 13x है तो 13x ही होगा, लेकिन एक्स के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आगू में लिख देना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 13 × e^13x, ठीक है, 13 × e^13x। इस तरीके से आपका जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन यहाँ से जो है खत्म होता है। अब हम लोग जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, सॉरी उससे पहले हम लोग देखेंगे अवकलज के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन ना, अवकलज के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन देखेंगे। सवाल आपके सामने क्या कर रहा है देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी है, ठीक है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी है। गौर कीजिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या आर 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। सवाल आपको ये कह दे कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, माने कोई संख्या है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या दिया गया हो, और आपसे सवाल ये करे कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसके त्रिज्या के सापेक्ष कितना होगा, ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसके त्रिज्या के सापेक्ष कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जितना वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा उसमें 2 से गुना करके लिख देना है,
छः है दिल तो दूसरे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष ना, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर ये हो जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, जब वृत्त की त्रिज्या दी गई हो तब। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला आप आपके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी आज बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल आपके सामने होगा, जो बस आप देखते ही क्वेश्चन का सोल्यूशन कर देंगे ना। हाँ तो देखिए, पहला सवाल आपका है 3 इंटीग्रेशन dx, 3 इंटीग्रेशन dx सवाल आपके सामने है। एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन आपके सामने में है, एक बार देख लीजिएगा और बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा ना। हाँ जल्दी से एक बार देख लीजिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए, बड़ी सिंपल है बाबू। देखिएगा, 3 तो कांस्टेंट है, भले बाहरे में है, dx का कितना हो जाता है x, आप प्लस में c जरूर लिखेंगे ना, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 3x प्लस c, या k भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है तो k भी लिख सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। दूसरा सवाल क्या है देखिएगा, dx बटा में x बराबर dx बटा में x, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता क्या है, log x ना, इसका हो जाएगा आपका log x प्लस में c, ठीक है, log x प्लस में c। अगला क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा है ऊपर, बहुत ही सिंपल सवाल है, सवाल कहता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए एक बार, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बता दीजिए, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो sin का इंटीग्रेशन होता है आपका -cos x + c, c या k लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर k ही लिख कर आएगा, तो k लिख सकते हैं या c लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपके ऑप्शन के अनुसार यदि देखेंगे तो प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में लिख दिया है, क्या हो जाएगा k माइनस में cos x, आप इसको ऐसे सजा कर लिख सकते हैं k माइनस में cos x। अब आप यदि आप ऑप्शन में खोजेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको शायद, हाँ ऑप्शन नंबर ओ तेरी, ऑप्शन नंबर बी में जो है शायद आपको इसका आंसर दिख जाएगा आसानी से ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, अगला सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर है इंटीग्रेशन cos 6θ d θ, ठीक है, cos 6θ d θ। अब गौर करेंगे, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin होता है, ज्यों कहते हो कोणांक, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना है, बटा में 6 रखेंगे आप प्लस c जरूर लिखेंगे, आंसर बन गया आपका, ठीक है, देख लीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, इसको पहले लिख ले इसको बाद में लिख ले तो उससे गड़बड़ी थोड़ी ना होने वाला है क्या, यदि पहले और बाद में लिख ले उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले लिखा है इसको बाद में लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर आपका बिल्कुल। अगला सवाल है कि tan 2x का क्या होगा, देखिएगा इंटीग्रेशन tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बता दीजिए सभी लोग फटाफट से एक बार, tan 2x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि tan का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x, तो हो जाएगा आपका sec x के जगह पर कितना है 2x, log sec x + c, ठीक है log sec x + c, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको आपको क्या लिखना है, इसके बटा में लिखना है, बटा में लिखेंगे तो इसके बार 1/2 ना कर देते हैं के, हाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, यानी इसका हो जाएगा 1/2 log sec 2x + c, 1/2 log sec 2x + c हो जाएगा आपका c, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर अभी देंगे, एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए आप लोग जल्दी से निश्चित समाकलन के एक क्वेश्चन को, ठीक है, निश्चित समाकलन का एक क्वेश्चन आपके सामने में है, आप इसको बनाने का प्रयास कर लीजिए। ऐसे आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2022 में
निश्चित ओहो थोड़ी भाला हो धीरे से ना हॉर्न बजावा। देखिए निश्चित समाकलन से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2022 में ज्यादा प्रश्न पूछा गया था अनिश्चित समाकलन की तुलना में ना। हाँ लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से लेने का प्रयास करते हैं, देख लीजिए कितना हो जाएगा। पाई बाई टू से पाई बाई टू असाइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ना, पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब गौर से देखिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। आपको बता दें थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना है आपको ऐसे सवाल में कि देखिए यदि सीमा का मान सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, पाई बाई टू से पाई बाई टू है, फंक्शन चाहे कुछ भी रहे, ठीक ना बउआ, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो, इंटीग्रेशन हमेशा जीरो के बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन शर्त है कि सीमा का मान सेम टू सेम होना चाहिए। सेम टू सेम है, फंक्शन कुछ भी रहेगा, इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा जीरो के बराबर ही होगा, ठीक ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला सवाल आपका जो है अवकल समीकरण से है और अवकल समीकरण से हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन रखा है आपके सामने, ठीक है। अब दो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल आपका है कि dy बटा dx प्लस 2y अब बराबर में कितना है, बराबर में है cos x का समाकलन गुणांक क्या होगा। पूछ रहा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, बड़े बहुत सिंपल है। क्या बोले थे कि dy बटा dx अकेला होना चाहिए, बिल्कुल अकेला है। यदि यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, इसके आगे या तो कोई कांस्टेंट या कोई फंक्शन होना चाहिए, बराबर के दूसरे साइड भी या तो कोई कांस्टेंट या कोई फंक्शन होना चाहिए। जब यहाँ y है तो फंक्शन जो होगा वो x वाला होगा है या फिर कांस्टेंट होगा ना। तो आइए ध्यान से देखते हैं, जब इतना हो जाएगा तो आपको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ ये y के बगल वाला से मतलब है। कितना मतलब है तो e के पावर में इसका इंटीग्रेशन, e के पावर में इंटीग्रेशन ले कितना हो जाएगा, e के पावर में दू ज्यों का त्यों और डी एक्स का एक्स हो जाता है, यानी इसका समाकलन गुणांक हो जाएगा e के पावर में 2x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। लास्ट सवाल आज का है, 25 क्वेश्चन में से ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। आज का सवाल है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और इसके होल पावर में है 3, होल पावर में है 3, आप प्लस है आपका प्लस 2 इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और इसके होल पावर में है 3, आप प्लस 9y बराबर में कितना है, बराबर में है साइन एक्स। सवाल पूछता है कि कोटि कितनी है। अच्छा इसका कोटि सिर्फ पूछ रहा है, लेकिन हम आपसे दोनों चीज पूछ लेते हैं, इसका कोटि कितना है ये भी बता दीजिए, इसका घात कितना है ये भी बता दीजिए ना। तो यदि हम कोटि पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, कोटि कितना हो जाएगा 2 के बराबर। अच्छा यदि घात पूछेंगे तो जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखना है, तो इसका घात कितना हो जाएगा बाबू 3 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से जो 25 क्वेश्चन का एक सेट हमने तैयार किया था, अब आप कहेंगे कि वेक्टर थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जब पढ़ाया जाएगा तो वेक्टर थ्री डी से भी क्वेश्चन आपको जो है दिया जाएगा ना। अभी आपको जितना बताया गया है उससे हमने 25 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया था और वो बिल्कुल मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन आपका है, यानी बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में छपने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा, कितना मज़ेदार तरीके से आप सीखे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके बाद इस वीडियो को शेयर करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। अब ऐसे ही हर रोज़ शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन आपके लिए जो है 25-25 क्वेश्चन का मॉडल सेट लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या ना होगा, ठीक है। मिशन हमारा है कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है बोर्ड एग्जाम में जाकर, ठीक है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।